हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक इनबिल्ट टीवी सपोर्ट सेटेलाइट फाइंडर मीटर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको देने जा रहा हूं, जिस मीटर का नाम है टीच टेस्ट डिजिटल सेटेलाइट फाइंडर मीटर। और इसका लुक वगैरह देख लो, बॉडी की डिज़ाइन वगैरह एकदम बढ़िया क्वालिटी का है, बढ़िया बटन वगैरह सब कुछ, इसकी फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया है। तो मैंने सोचा आज इसका क्यों ना आपको रिव्यू दे दूँ। तो ऊपर की साइड से LNB इन है और टॉर्च है, नीचे की साइड में कुछ भी नहीं है। साइड में जो ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, यहाँ से मीटर ऑन ऑफ होता है। और उस साइड में जो है USB और चार्जर एडाप्टर लगाने का प्लग है। उसके बाद आपको मैं बैक साइड में बता देता हूँ, यहाँ पर स्पीकर है और इसका स्टैंड है। और उसके बाद मैं मीटर को खोल के भी बता देता हूँ, कवर हटा के कुछ ऐसा ब्लैक बॉडी में ये दिखता है। बैक साइड से आपको दिखा देता हूँ इसकी बैटरी, MAH वगैरह सब कुछ आपको बैटरी में एक्चुअली खोल के भी बता देता हूँ। कुछ ऐसे इसके बटन वगैरह है, ठीक। और ठीक है, ये मैं आपको पीछे का कवर खोल के बता देता हूँ, टीच सेट। तो ये इसकी बैटरी है 2600 mAh की, बैटरी पावर भी इसका बढ़िया है, शानदार है। तो फिर से लगा के आपको जो है चला के भी बता देता हूँ। तो यहाँ से ये ऑन होता है, इसको ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पर उजाले में आपको ठीक से नहीं दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा अंधेरे में जाके इसको चला के बता देता हूँ कि अंदर जो है क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, मेन्यू में क्या क्या फंक्शंस आते हैं। तो ये मैंने चालू कर दिया है दोस्तों, टीच टेस्ट ये इस कंपनी का नाम है जिसका ये मीटर है। तो दोस्तों, इसको आप अंधेरे में भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इसमें फंक्शंस दिए हुए हैं। ये यहाँ से मेन्यू दबाओगे, एग्ज़िट वगैरह सारे बटन हैं। तो ये मेन्यू सबसे पहले मैं दबाता हूँ, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है, सेटेलाइट फाइंड, मीडिया, चैनल सेटिंग और अपग्रेड। तो सारे ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेटेलाइट, यहाँ पर सेटेलाइट फाइंडर मीटर, ये वो TP लिस्ट वगैरह वगैरह है। उसके बाद फाइंड में जाओगे तो फाइंड में भी स्पेक्ट्रम, एंगल वगैरह सब कुछ है। ये आपको मैं चला के भी बताऊँगा, फ़िलहाल मैं ऊपर से मेन्यू दिखा देता हूँ। फिर से बैक हो जाता हूँ, ये स्पेक्ट्रम है, छतरी की वायर लगी हुई नहीं है वरना चला के बताता हूँ। ये मीडिया, ये साइड में मीडिया है, पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो आप। उसके नीचे चैनल वगैरह है, डिलीट एडिट वगैरह, रेडियो चैनल, टीवी चैनल। उसके बाद है सेटिंग, कलर सेटिंग, OHD सेटिंग और ये अपग्रेड। यहाँ से दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, 20 की वगैरह ऐड कर सकते हो, F1, F2 और F3। F3 से एडिट होगा। उसके बाद फिर से मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, फाइंडर सेटिंग। फाइंडर सेटिंग में दोस्तों आप लैंप ऑन ऑफ कर सकते हो, बैक लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, बज़र, LED लाइट, कीपैड टून, ऑटो पावर, ये यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि मैं दोस्तों LED लाइट को मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने कर दिया ऑफ़। मान लो अगर आप जो है ये बैक लाइट, ठीक है, ये बैक लाइट ये ऑन हो गई और ये ऑफ़ हो गई। ये अगर आप अंधेरे में काम करो तो इसको ऑन कर लो, या फिर दिन में काम करो तो बंद कर दो। तो ये बहुत ही बढ़िया फंक्शन है दोस्तों, आपको बटन को देखने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और ये यहाँ से आप इसकी टॉर्च भी जला सकते हो, टॉर्च का तो बाहर ही बटन दिया हुआ है, ये रहा टॉर्च। और टॉर्च के ऊपर ये टॉर्च है, और टॉर्च के ऊपर स्पेक्ट्रम का बटन है, ये जो धारी धारी वाला दिख रहा है ना, ये स्पेक्ट्रम का बटन है, इसको दबाओगे तो स्पेक्ट्रम खुल जाएंगे। दोस्तों अभी एंटीना की वायर नहीं है वरना यहाँ पर स्पेक्ट्रम आपको दिख जाते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें बताता हूँ आपको, ये मैंने एंटीना की वायर लगा दी है और ये चैनल चालू हो गया। अब आप अगर F1 प्रेस करते हो तो सिग्नल इन्फो बार खुल जाएगा डिटेल में, ये आप देख रहे हो। और भी आपको बता देता हूँ, ये F1 दबाओगे तो डिटेल में सिग्नल इन्फो बार खुल जाएगा। और एक और बढ़िया सेटिंग आपको इसकी बताता हूँ, बढ़िया चीज़, फाइंडिंग में जाओगे और झूम सिग्नल पे ओके करोगे तो यहाँ पर ये जो ऊपर झूम सिग्नल में 77 बता रहा है, वो नीचे की LED लाइट में भी 77 आपको दिखा देगा, ये आप देख रहे हो।
यहाँ पे भी 77 बता देगा। तो यानी कि आप अंधेरे में भी आप इससे बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो, दिन में भी आपको बढ़िया दिखेगा, साथ में आप रात में भी इससे अच्छे से काम कर सकते हो ये मीटर से। और इसमें मैं आपको ब्लाइंड स्कैन वगैरह दिखा देता हूँ। एंटीना सेटिंग में जाके यहाँ सेटेलाइट लिस्ट, यहाँ पे जाके ब्लाइंड कर दो, FTA कर देता हूँ मैं फ्री टू एयर। और ये स्कैन तो ब्लाइंड स्कैन भी हो जाएगा, चैनल आपको मैं प्ले करके ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसका ट्यूनर वगैरह भी बहुत बढ़िया है। उसके अलावा यहाँ पर F1 से सेटेलाइट लिस्ट खुल जाएगी और F2 से TP लिस्ट खुल जाएगी। ये आप देख रहे हो लाल और हरा में, तो मैं ये F2 दबा देता हूँ तो इसकी TP लिस्ट खुल गई। यहाँ पे F1 से डिलीट कर सकते हो, F2 से ऐड, F3 से एडिट और F4 से सर्च कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया इसमें ये फंक्शन दिए हुए F1 F2 वाले। और उसके अलावा F1 से सेटेलाइट लिस्ट खुलेगी तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये मेरी से खुल गई सेटेलाइट लिस्ट। तो दोस्तों इस मीटर में बहुत ही बढ़िया बढ़िया फंक्शंस है। अगर आपको ये मीटर नहीं मिल रहा हो तो आप जो है मुझसे भी परचेस कर सकते हैं, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।